Thank you. Hope next time we will do a short film and hopefully then we will complete it. फर्स्ट बल्ली और मैं स्टार्टिंग से स्कूल फ्रेंड है बलबीम कामड़े मतलब हमारा बल्ली टाइगर श्रॉफ का एक वीडियो देख रहे थे तब हमने ऐसे ही सोचा कि क्यों ना हम भी ऐसा एक फिल्म बनाए शॉर्ट फिल्म तो बल्ली को बोला कि मैं मार्शल आर्टिस्ट हूँ तो कुछ करेगा तो बल्ली ने बोला तू कॉन्सेप्ट निकाल अपन कुछ करते हैं फिर हमने कंसेप्ट देखी दो तीन स्टोरीज तीन चार स्टोरीज प्रेफर की एक दूसरे को फिर लास्ट में बल्ली ने एक स्टोरी निकाली दो ब्रदर्स के ऊपर फिर सोचा कि टीम कहाँ से इकट्ठा करें फिर टीम के लिए मैंने सोचा कि हमारे सर है जिनके पास मैं 5-6 सालों से ट्रेनिंग कर रहा हूँ राजू जायसवाल सर है नासिक के कुंग फू मास्टर है फिर मैंने सोचा कि सर हमारे क्लास के स्टूडेंट्स भी हैं वो पार्ट लेंगे एज एन एक्टर उनको भी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और सर को भी एक्शन कोरियोग्राफी का बहुत शौक है पहले से और फिल्म में काम करने का बहुत जोश है सर में तो हमने सोचा कि क्यों ना ट्राई करते हैं मैं एक क्लास में था तो मेरा स्टूडेंट आशीष आयर जो मेरा फॉर्मर स्टूडेंट था वाचना का यार मुझे बोला कि सर मेरा फ्रेंड है बलबीम कामले करके फिल्म डायरेक्टिंग करता है तो क्या आप उसमें एक रोल करोगे तो मेरा रोल कैसा है तो उसने बोला सर नॉर्मली मार्शल आर्ट्स पे करना है और होप्स हो कि आप बहुत बढ़िया कर पाओगे तो मैं बोला चलो ठीक है एक बार उसे ले आओ मिलेंगे बात करेंगे और फिर सारे रोल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे क्या कैसा है कैसा नहीं है अगर अच्छा लगा तो करेंगे तो ये बोला नहीं सर आप जब करोगे तो मेरा ठीक है एक बार लेके आओ तो फिर कुछ दिनों के बाद उसने बलबीम को लाया और हम लोग आप मिले बैठे पूरे स्क्रिप्ट देखा और स्क्रिप्ट को मैंने पढ़ा और काफ़ी अच्छा लगा और एक्चुअली मेरे स्टार्टअप के लिए तो बहुत बढ़िया था तो मतलब चलो ठीक है थोड़ा नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों रोल था मेरा वहाँ पे लेकिन मतलब चलो करेंगे बल्ली ने टीम इकट्ठा की सारे कैमरामैन जो वर्क करने वाले हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में उसके बाद एक दिन हमने फोटोशूट भी किया जो पोस्टर मेकिंग के लिए किया था उसके लिए भी बहुत सारी मेहनत की नासिक में बहुत जगह पे घूमे सब इक्विपमेंट्स कलेक्ट करने के लिए घूमे एक फ्रेंड है शुभम उससे हमने कुछ इक्विपमेंट्स लिए थे कुछ लाइट्स और ट्राइपॉड वगैरह देन उसके बाद और कुछ फ्रेंड्स थे उनसे लाइसेंस वगैरह कलेक्ट करके वो शूट हमने किया था ऑलमोस्ट शूट को एक दिन पूरा लगा था तो बहुत अच्छा शूट था वो भी देन उसके बाद हम मेकअप के लिए मेरी मासी है गौरी ताजनपुरे तो उनके पास गए थे उनसे कुछ मेकअप सीख के फिर शूट के टाइम वही मेकअप हमने अप्लाई किया था देन मेकअप आर्टिस्ट हमारी निकिता पाटिल थी देन उसके बाद सेट आर्टिस्ट मुग्धा पाटिल थी फिर हमने प्रेफर किया तो कुछ हॉलीवुड मूवीज से प्रेफर किया जैसे ब्लड एंड बोन हुआ स्कॉट एटकिंस विंग चुन मार्शल आर्ट्स अलग अलग मार्शल आर्ट ने प्रेफर किए तो हमको दिखाना था 5 टाइप के मार्शल आर्ट दिखाने थे उसमें 5 टाइप की फाइट दिखाए फिल्म में तो फर्स्ट टाइप है वो एक राउडी फाइटर का मार्शल आर्ट टाइप है और सेकेंड टाइप दिखाया था एक सीरियस फाइटर जो कि कापोरा स्टाइल है अफ्रीकन फाइटिंग स्टाइल है ब्राजीलियन फाइटिंग स्टाइल है वो कापोरा फाइट हमने कोरियोग्राफ की थर्ड फाइटिंग स्टाइल हमने ड्यूअल फाइट दिखाया जो कि दो म्यूटा फाइटर्स थे उनका रोल कर रहे थे शुभम शर्मा और सर के छोटे भाई वीरू भैया कर रहे थे रोल और बाद में फोर्थ फाइट हमको सीरियस दिखानी थी फोर्थ फाइट के लिए कुछ सीरियस बंदा चाहिए था सीरियस बंदा ढूंढे कहाँ से एक अच्छा बॉडी बिल्डर चाहिए था एक अच्छा मार्शल आर्टिस्ट चाहिए था फिर उसके लिए मेरा एक दोस्त है चूँकि मैं बड़े भाई की तरह मानता हूँ उसका अनुग्रह देशमुख वो नेशनल प्लेयर है MMA में और कोच है MMA कोच है जिम ट्रेनर है तो उसकी बॉडी वगैरह बलबीम को पसंद आई तो हमने उसको अप्रोच किया फिर उसने बिना कुछ सोचे समझे मेरा सुना क्योंकि वो छोटे भाई की तरह ही समझता है तो उसने भी हाँ बोल दिया फिर सर ने और हमने प्रिपेयर किया कि फाइट कैसे कोरियोग्राफ करें फिर क्लास के बंदे हमने उठाए जो फाइटर्स बहुत अच्छे हैं बॉडी में बहुत अच्छे हैं सब प्रेफर किया सर ने मैंने मिलकर फिर बल्ली ने कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किए अलग अलग फिर हमको लास्ट था कोरियोग्राफी के लिए प्रैक्टिस सबका टाइम अलग अलग देना था और मुझे टाइम देना था 5 फाइट के लिए लास्ट फाइनल फाइट जो सर की और मेरी थी तो 5 फाइट के लिए टाइम निकालना बड़ा मुश्किल था क्योंकि मेरा भी कॉलेज चालू था बलबीम को भी अप डाउन एक दिन मुंबई एक दिन नासिक तो उसका भी कि कोरियोग्राफी कैसी चालू है उसे देखने को नहीं मिलता था तो हम वीडियो एक दूसरे को मेल करके हम समझाते थे कि ऐसी कोरियोग्राफी चालू है।
जब हमारी पिक्चर स्टार्ट हुई मेरे को पता चला कि आपको भी रोल करना है पिक्चर में, आपका फाइट रहेगा एक दो, तो मैंने फाइट, पहले मेरे को ऐसे कुछ लगा नहीं था कि भाई ठीक है फाइट करना है जाके बस ऐसे ही, क्योंकि हम हर रोज तो फाइट करते हैं, अभी भी हम वही करते हैं। लेकिन जब मेरे को टैटू वीटू निकालने को लिए लेके गए, तब मेरे को टैटू वीटू निकाला तब कुछ अच्छा लगा मेरे को, नहीं फाइट करना। और एक्चुअली मेरे को जब फाइट को जाने के पहले ऐसे लग रहा था कि भाई कुछ तो भी अलग फाइट, यानी कि अगले वाले को बहुत फोड़ना रहेगा मारना रहेगा ऐसे वैसे, लेकिन उधर जाके देखे तो इतना कुछ ये नहीं था जितना कि जुनून से गए थे हम इतना, क्योंकि कैमरा मैन वगैरह जो रहते थे वो पहले ही बोलते थे भाई थोड़ा आराम से, और हमको इतना कुछ नहीं, लेकिन मजा आई उसमें फाइट करने में। और साथ ही साथ मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो इस फिल्म में काम कर रहे हैं, जैसे नारंग पावर था और आकाश खरे, ये लोग काफ़ी दूर से नियर अबाउट ये लोग 20-30 किलोमीटर की जर्नी मतलब करके वो यहाँ आते थे शूट्स के लिए, रात रात भर शूटिंग करते थे यहाँ पे रुक के, मेरे क्लास पे वो स्टे करते थे, उनके लिए खाना खाने में हम ही करते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन वो बोलते सर हमें ये शूट करना है परफेक्टली और हमें 100% दिखाना है, तो उनके लिए भी मतलब मुझे मतलब प्राउड ऐसा फील होता है कि आई एम देयर मास्टर, और यू नो वॉट एकदम बेटर ऐसा फील हो रहा है कि यू नो वॉट कि उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस वहाँ पे किया, बहुत ही बड़े परफॉर्मेंस किया उन्होंने। कापोरा फाइट जो कर रहा है आनंद यादव, वो भी पुणे को अप डाउन करता है, वो पुणे MBA में वहाँ पे जॉब को है, वो जॉब से टाइम निकाल के शाम को पुणे से आके शाम के टाइम शूट करने का और मॉर्निंग के टाइम जॉब को जाने का पुणे फिर से। सर ने बोला था कि ऐसी एक मार्शल आर्ट की फिल्म है, फाइटिंग फाइट मूवी, उसके लिए अपने को काम करना है, तो बहुत अच्छा लगा सुन के कि पहली बार फिल्म में काम करेंगे, लेकिन डर भी लग रहा था कि कैसे कर पाएंगे ये, जब हमको मतलब हम कर पाएंगे कि नहीं, फिर सर बोले कुछ नहीं होता मैं कर दूंगा सब, तो वहाँ से हमारी फिर प्रैक्टिस शुरू हो गई फाइट की, तो फाइट की प्रैक्टिस करते वक्त जो इंजरीज थी छोटी छोटी, गिरना लगना, पैर में मोच आना, हाथ में मोच आना, तो वो चलता था, लेकिन मजा भी बहुत आता था। फिर हमने सर ने मैंने और सब बच्चों ने अपना अपना टाइम दिया, फिर सब ने कोरियोग्राफी की अच्छे से, फिर टाइम निकल बाद में डे हुआ शूट स्टार्ट करने थे, शूट का शेड्यूल लगा तो हमने स्टार्टिंग में जो शूट करना फाइनली शूट आप देखेंगे डॉक्यूमेंट्री में वो है कि पांडोली ने भी किया है, पर असल में वो हमने एक बार विल्लोली उस साइड माउंटेन्स पर शूट किया है। जब हम मुझे मालूम पड़ा कि पांडे पे शूट है, वही शूट रीटेक करना है फिर से, तो मुझे मतलब थोड़ा सा हराज हुआ, बोला यार, और उस वक्त मेरी थोड़ी तबीयत भी ख़राब थी और मेरे पैर भी थोड़े से लगा हुआ था, तो थोड़ा इंजर्ड था पैर, तो ये बोला सर शॉट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, बोला यार करना तो पड़ेगा अभी, क्योंकि बेचारे वो लोग भी 100% दे रहे तो हमें भी देना पड़ेगा और बात है तो करना ही पड़ेगा किसी हालत में, तो ये तो सीढ़ियाँ चढ़ जाना ऊपर इतना ईजी नहीं हो, पैर सूझे हुए थे, फिर भी आशीष मेरा हाथ पकड़ा लेके जा रहा ऊपर, कैसे जा रहा चलो जाएंगे अपन वहाँ पे, वहाँ पे जाने के बाद मैं एक्चुअली यू नो व्हाट आई एम जस्ट क्रेजी अबाउट मार्शल आर्ट्स, वहाँ पे जाने के बाद उन्होंने जब कैमरा ओपन किया, पहले तो मैं बहुत इतना बोर हो गया था, बोले यार बहुत हरास हो रहा है इतना आसान नहीं करना, तो ये बोला सर लेट इट बी देयर, चले जाओ हमें करना है, क्योंकि दिस इज आर ड्रीम, सो हमें करना किसी भी तरह और किसी भी तरह से करेंगे, तो ठीक हुई बात है यार, उन्होंने कर रहे थे ये थोड़ा सा मतलब आशीष गुस्सा कर रहे थे लोग, बोले यार सर आपको इतना लगा हुआ है फिर भी शूट्स कर रहे, ये सब ठीक नहीं है,
तो मैं बोला लेट इट बी आशीष, चलने दे, चलता है, बोले करेंगे हम उनके लिए करेंगे, वो हमारे लिए तो टाइम दे रहे, तो हमें भी करना पड़ेगा चीज़ों के लिए। तो वहाँ पे जाने के बाद हम लोगों ने शूट्स किया, वापस मुझे पहाड़ पे इन्होंने एक बार नहीं 8 बार दौड़ाया होगा, 8 बार। और उस वक्त मेरे पैर में लगा हुआ था, ये सिर्फ आशीष को पता था, बाकी किसी को नहीं पता था, इवन डायरेक्टर भी नहीं पता कि इनके पैर में लगा हुआ है। वो फिर बोलने का, सर आर यू रेडी? या आई एम रेडी, यस चलो। तो मैं वहाँ से कंटिन्यू मतलब भागता था वहाँ से, और मैं बोला चलो कैसे भी शॉट कंप्लीट देना। ऊपर से आशीष का रोल ऐसा था कि उसे बीच में गिरना था, और वो बेचारे को एक बार नहीं 20 बार गिराया होगा। अभी क्या बताओ आपको, 20 बार गिराया। वो बोलता सर यू नो व्हाट, आई एम जस्ट गेटिंग सो मच बोर्ड, इवन आई एम गेटिंग एंग्री। बोला अरे क्यों एंग्री? क्यों? बोला सर बार बार गिरना पड़ रहा है, फेस खराब हो जाएगा। बोले मेरा मैं बोला कोई बात नहीं, चलता है, बोले करेंगे, आप लोग शॉट देना है। तो यू नो व्हाट, ये हमारा एक बहुत ही, इट वॉज अ वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी। साइड शूट करते टाइम भी काफ़ी इंजुरी हुई, मेरे आई पे सर का पंच लग गया था, वो आए एक वीक तक स्वेल था आई में, तो वो इंजुरी सर के भी पैर में उसी दिन इंजुरी लग गई थी मेरे स्वीप किक से, तो सर को और मेरे आँख में, फिर हमने वो शूट असल में हुआ नहीं ठीक से। फिर बाद में हमारे अलग DOP सर आए जो कि बहुत प्रोफेशनल है, प्रथमेश पाटिल सर आए, फिर उन्होंने सारा अच्छा एकदम शॉर्ट प्लान एकदम परफेक्ट निकाला, सिनेमाटोग्राफी एकदम परफेक्ट की, डायरेक्शन चेंज हुआ, फिर बलबीम सर ने अलग अलग डायरेक्शंस और अलग अलग शॉर्ट प्लानिंग, स्टोरी बोर्ड अलग हुआ, फिर सब प्लानिंग बहुत अलग बना, फिर शॉर्ट फिर से स्टार्ट हुए लेना। फिर हमने पांडवलेनी को जो स्टार्ट था शूट का, जो आउटडोर था वो लिया, जो इनडोर शूट था रूम के, वो क्लास को हमने हमारे सामने आजू बाजू जो घर है वहाँ से बर्तन ला के क्लास को हमने एक रूम दिखाने के लिए ट्राई किया, और उसे हमने एक रूम बनाया कि वो सर का और मेरा छोटे भाई भाइयों का घर लगे, कि पापा नहीं है घर पे, बस हम दोनों ही रहते हैं, वैसा हमने लुक दिया, वो ट्राई किया। और जो आप फोटो देखोगे सर के पापा का, तो बल्ली ने एडिट किया है, वो सर ही है असल में, बस ब्रेड और वो लगा के अलग बनाया है और बहुत गोरा कर दिया है। जब शूटिंग शुरू हुई तो अंदर से गूज़बम्स आ रहे थे, एक्साइटमेंट आ रही थी, यार कैसा होगा, मजा आएगा। हमारा जो DOP सर है वो हमें बता रहे थे कि मैं ऐसे आऊँगा तो आपको बाजू हटना है, आपको ऐसे करना है, तो बहुत बहुत मज़ा आ रहा था। और शूटिंग शुरू होने से पहले जो हम मतलब मैं भी जॉब करता था नारायण, और मैं हम एक ही कंपनी में जॉब करते थे, तो जॉब को छुट्टी लेना, छुट्टी लेकर प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस के बाद शूटिंग करना, वह हमारे लिए बहुत एक्साइटमेंट का काम था, और उसमें एनर्जी भी बहुत लगती थी, बहुत थक भी जाते थे, लेकिन फिर भी हम उसी एक्साइटमेंट के साथ काम करते थे क्योंकि कुछ नया कर रहे थे। तो 2-3 बार हमें कंपनी से छुट्टी भी लेनी पड़ी, और उसके लिए हमें थोड़ा डांट भी खानी पड़ी थी, लेकिन कुछ नहीं चलता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। पर लास्ट में जो शूट होने के, तो उसमें सबको इंजरी हुई कि जो आर्टिफिशियल ब्लड है वो लगने का, मेकअप लगने के कंटिन्यू, एक हर सीन के बाद मेकअप, जो फाइनल हमने शॉट दिए उसके लिए तो इतना यहाँ से खून मुँह से खून सर जगह से खून खून कर दिया था। फाइट के वक्त हमारे एक दो फाइटर्स थोड़े से इंजर्ड हो गए थे फाइट के वक्त, फिर भी उन्होंने शूटिंग रोका नहीं, वो बोले सर शूटिंग करेंगे हम। तो मैंने काफ़ी कोशिश की, और जो बाकी जो सपोर्टिव टीम्स थे, बलीम कामले जो डायरेक्टर, उन्होंने भी काफ़ी बोला सर यू कैन डू इट, आई नो दैट आप कर सकते हो बहुत बढ़िया। तो हम लोग काफ़ी थोड़ा रिहर्सल करने का, फिर मैं वहाँ पर शॉट देने का। और हमारे जो बाकी फाइटर्स है
जैसे कि शुभम शर्मा हो गया, आनंद यादव, उसके बाद अनुग्रह देशमुख, उसके बाद वीरू भाई जो हमारे सर के, जो राजू सर है उनके भाई है, तो एक्चुअली वो बोल नहीं पाते, सुन नहीं पाते, लेकिन फिर भी उनका कोऑर्डिनेशन बहुत खतरनाक था मूवी में। हम सबसे अच्छी फाइट उन्होंने की है। लास्ट जो फिल्म का ट्रेलर हुआ वो भी काफी हिट हुआ, क्योंकि अभी रिलेटिव्स फ्रेंड्स है, क्योंकि मैं लीड एक्टर हूँ तो नहीं क्या सब बोल रहे थे कि आशीष तेरी मूवी आ रही, तेरी मूवी आ रही, सबको क्रेज था कि नहीं क्या मूवी में आ रहा, मूवी में आ रहा। तो फिर वो क्रेज बढ़ता गया धीरे धीरे, जैसे ट्रेलर का डेट पास आता गया तो सबके कॉल्स आने लगे कब आ रहा ट्रेलर, ट्रेलर 4 बजे आने वाला था, बस 15 मिनट्स लेट हुआ तो सबको, जो DOP सर है, डायरेक्टर सर है, 15 मिनट्स लेट होने की वजह सर को, राजू सर को, सबको कॉल आने लगे कि कब आ रहा। इतना मतलब हमने क्रेज कर लिया था इतने शूटिंग के मंथ्स में, तो सबको इतना क्रेज आ गया था कि कब आएगा, सबको देखना था, क्योंकि फ्रेंड सर्कल सबका बहुत बड़ा है, क्योंकि सर के भी स्टूडेंट्स इतने सारे बन गए कि सर के भी 50 to 100 स्टूडेंट्स होंगे नासिक में। तो सबने देखा वो ट्रेलर, सबने ट्रेलर पसंद किया। जिंदगी में सबका कोई ना कोई मकसद होता है, मेरा सिर्फ एक ही मकसद है। अपने आप को भैया के सामने साबित करके दिखाना। बस बहुत हुआ, आज के बाद मार्शल आर्ट्स का नाम तेरी जुबान पे भी आया तो तेरी जुबान खींच के हाथ में दे दूंगा। हाँ, ट्रेलर में मुझे ये लगा कि यार मेरा चेहरा दिखना चाहिए था, लेकिन सिर्फ मेरा बैक दिख रहा है, और वो जो स्प्रिंग जंप मैंने मारी थी बहुत एनर्जी से मारी थी वो भी नहीं दिख रही है। तो मैं डायरेक्टर सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कुछ कीजिए, ओके, नेक्स्ट जो आपका प्रोजेक्ट होगा तो उसमें आप स्प्रिंग जंप वाला जो सीन है वो जरूर ऐड कीजिए, क्योंकि बिना हाथ वाली स्प्रिंग जंप थी वो। पर एट लास्ट कुछ फॉल्ट निकले मूवी के, मूवी में कैसे प्लॉट चेंज हुए, कहाँ एक्टिंग में कुछ गड़बड़ हुई, कुछ मतलब खामियां तो निकली कि क्योंकि सबने फर्स्ट ट्राई किया था, क्योंकि वी आर ऑल फ्रॉम नासिक फिल्म मेकर्स, तो एक्शन मूवी नासिक में कोई करता नहीं है एक्शन मूवी, क्योंकि कोरियोग्राफर्स मिलना और इतने फाइट का टीम मिलना डायरेक्टली और सब कोरियोग्राफ होना इस मतलब सिटी के लिए या इस सिटी के लिए बहुत मुश्किल है। सॉरी भी कहना चाहूँगा, कुछ मेरे जो फ्रेंड्स है, मेरे जो फॉलोअर्स है, जिनको मैंने बताया था कि हमारा मूवी आ रहा है, तो उनको मैं सॉरी फील करता हूँ, क्योंकि कुछ रीजंस थे, सीक्वेंस नहीं बैठ रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उसकी वजह से मूवी नहीं रिलीज हो रहा है। तो सॉरी कहना चाहूँगा आपको, जो इसको हम अगले मतलब कुछ दिनों में, कुछ महीनों में या फिर कुछ सालों में हम बड़े लेवल पे करेंगे, तब आपको दिखाएंगे, क्योंकि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने बताया था कि हमारी मूवी आने वाली है, ट्रेलर भी दिखाया था, बहुत शेयर किया था मैंने, तो मतलब इंस्टा, व्हाट्सएप, सब जगह पर शेयर किया था। मेरे जो दूर दूर के रिश्तेदार है वो भी पूछते, भाई तेरा मूवी आने वाला था क्या हुआ, तो उनके लिए बोलूँगा कि होता है, लोग गलतियों से सीखते हैं। क्योंकि अभी एक म्यूजिक वीडियो बनाने में और एक डॉक्यूमेंट्री बनाने में और एक्शन फिल्म जो फाइट का सीक्वेंस लगा के एक एक शॉट लेने में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, तो वो डिफरेंस हमने सीखा हमारी गलतियों से, पर अगला मूवी नहीं, यही मूवी अलग कर सकते हैं, नहीं तो अलग कुछ करेंगे कि आपको बेस्ट दिखाया हमारा, पर ये कुछ हुआ कि ये मूवी को रिलीज नहीं कर पाए, तो सॉरी फॉर दैट। सो आप ऐसा मत समझे कि हम हार गए, हमने जैसे एक स्टेप बैक लिया है, क्योंकि हमें बड़ी चला गई।
So, hi guys, this is Balli Kamra and Prathamesh Patil from Prathamesh Patil Visuals. So, जो भी आपने इतने सही सही जो देखे अभी shorts and videos and जो सारे clips इन्हीं के देने वो तो this was a project मैंने पहले कभी ऐसे collab नहीं किया था किसी के साथ इतना and Prathamesh Patil Visuals and BSK Works का this was a collaborated you know project. So, मैं तेरे से पूछना चाहूँगा तुझे कैसे लगा BSK Works के साथ you know तो सारे team fighters and सब लोगों के साथ मिलके क्या बताओ अभी मतलब कोलैबोरेशन तो मेरा भी फर्स्ट था इट्स लाइक इन अ शॉर्ट फिल्म मज़ा आया बहुत टीम वर्क किया अच्छे पब्लिक साथ में थी डेडिकेशन लेवल सबका सही था सबका नहीं था मतलब प्रीम होती गई पब्लिक मतलब स्टार्ट में सब थे फिर कम हुए तो समझा कौन एक्चुअल में काम करता है किसको सिर्फ इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालना है तो वैसा वैसे था बट मज़ा बहुत आया काम करने में फाइटर से मिला उनका अलग ही टैलेंट उनका अलग स्ट्रगल वो सब उसमें तो फिर खुद लाइट्स डिजाइन किए कभी किए नहीं थे लाइटिंग किया वो सब शॉट डिजाइन प्लानिंग कलर पैलेट वगैरह से लेके इतने डिटेलिंग में कभी काम नहीं किया था जितना इस प्रोजेक्ट पे किया था मैंने लाइक सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट बनने वाला था बट बनेगा बनेगा कभी टाइम लगेगा थोड़ा ऐसा सीन है अभी तो मेरे लिए प्रथमेश के साथ काम करना बोलो ना छोटा सबसे छोटा बताना वीडियो भाई को जाने का क्या होगी मैंने तो कभी इतने डिटेल में काम नहीं किया था एंड दिस वाज लाइक अ फिल्म स्कूल फॉर मी बहुत सारी चीजें सीखने को मिली एंड लोगों को कंट्रोल कैसे करते हैं इतनी बड़ी टीम को कंट्रोल कैसे करते हैं वो सारा इस प्रोजेक्ट के थ्रू सीखने को मिला एंड लोग पूछते हैं मुझे कि इतना तुम लोगों ने पैसा डाला इतना टाइम डाला एंड अभी सब वेस्ट है तुम लोगों ऐसा मेरे को बोलते तेरे को क्या बोलना है इसमें अरे पैसा वैसा ठीक है अभी पैसा लगा टाइम लगा सब लगा अभी इतना सीखने को भी मिला बट क्या है ना कि अपन इससे पहले जो काम किए या जो भी कर रहे हैं तो एक एक्सपेक्टेशन लेवल होता है कि जैसे क्वालिटी चेक कंट्रोल होता है हर जगह पे जो प्रोडक्ट क्वालिटी चेक से जाता है ग्रेड कम हुआ तो ऑब्वियसली वो आगे नहीं जाता उसमें तो पैसा लगा ही रहता है एग्जैक्टली सेम थिंग एक्सपेक्टेशन की तरह नहीं हुआ बिकॉज एक्टर्स एंड ऑल बहुत सारी चीज़ें थी अभी ज़्यादा डिस्कस किया तो उस पर फीचर लेंथ का डॉक्यूमेंट्री बन सकता है तो वो अभी समझ लो आपकी बहुत सारी चीज़ें जस्ट सो यू गाइस नो प्रथमेश ने मतलब हम लोगों ने शूट किया था प्रथमेश ने लगभग एक घंटे के लिए तो आई वाज टॉकिंग वन एंड हाफ आवर बंदा बोलता गया कैमरा भूल गया कि सोनी मतलब कोई भी कैमरा ओनली रिकॉर्ड्स टिल 29 मिनट्स ऑलमोस्ट कोई भी स्प्लिट करता है हां स्प्लिट करता है बट मेरे कैमरा ने धोखा दिया उस टाइम पे सिर्फ आधे घंटे तक रिकॉर्ड किया और एक्चुअल बात उसके बाद ही चालू हुआ था आधे घंटे तक तो मैं कंफर्टेबल हो गया था बिकॉज अपने को कैमरा के पीछे काम करने का आदत है भाई अपन कैमरा के आगे बहुत रेयरली आते भाई चालू हो गया था डेढ़ घंटे के बोला वो फाइल साइज कुछ तो कितने जीबी का बात वो 8 GB मेरी ज्यादा होगा आई गेस मेरी आई डोंट नो तो वही 8-9 GB तक चला गया था वो फाइल साइज और वो भी आधा ही हुआ था क्योंकि आधा तो शूट ही नहीं हुआ था आधा हां आधा शूट ही नहीं हुआ था लेकिन जो बोला था बंदे ने वाह जो सही सही चीजें याद नहीं अभी बहुत कुछ बोला था कैमरा के कांड अरे बहुत डिटेल में बोला था कभी करेंगे डिटेल में लेकिन वो डिटेल में बताने से अच्छा हम लोग और दूसरे प्रोजेक्ट में डिटेल में काम करेंगे दैट वुड बी मोर बेटर फॉर अस तो इसी सवाल का मैं भी जवाब देना चाहूंगा कि लोग बोलते वेस्ट हो गया इतना सब क्यों नहीं डाल रहे हो डाल दो कुछ नहीं होता है बट सी सर तो मैं बोला पहले यू गो फर्स्ट मुझे मेरे लिए तो ये बिल्कुल वेस्ट ऑफ मनी एंड टाइम नहीं था सीखने को मिला वो तो ठीक है लेकिन
मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की थी प्रथम से मिला मैं इस प्रोजेक्ट के जरिए. यू नो मैं नहीं सीरियसली मतलब मैं तो ढूंढ रहा था नासिक में लोग जो अपने फील्ड के फिल्म मेकिंग के जो फील्ड के, तो जब पहले मिले थे लोग मिले तो थे लेकिन विजन मैच नहीं कर रहा था हम लोगों का. सो जब प्रथमेश मिला तब लगा कि यार मिला अभी कोई अच्छा बंदा मिला जिसके साथ हम कर सकते हैं काम. एंड जैसे मिला मैं इससे उसके बाद कितने प्रोजेक्ट किए हम लोगों ने तीन चार आगे बहुत है अभी तो काम चालू है प्रोजेक्ट रुके ही नहीं है चालू ही है प्रोजेक्ट अब से कमर्शियल प्रोजेक्ट्स पर्सनल प्रोजेक्ट्स पर्सनल पे तो करना है अभी पर्सनल अभी फुल टाइम देख ले रहा हूँ कोई गाय नहीं है सो ब्लड एंड मून का एक अच्छा हो कि प्रथमेश मिला हुआ नहीं मतलब जो हुआ अच्छे के लिए हुआ. बट या इतना सारा वीडियो बनाने का भी पॉइंट एक ही है कि अभी ब्लड एंड बोन नहीं आएगा अभी तो भी नहीं आएगा. नॉट नाउ हम प्लानिंग कर रहे अभी विद प्रॉपर बजट एंड प्रॉपर एक्टर्स बट या नॉट नाउ टेक टाइम या एंड मोर एक्सपीरियंस. हमको भी एक्सपीरियंस चाहिए इसलिए आगे है कुछ और आपके लिए बट उसको भी अभी पूरा कंप्लीट होने तक हम रिवील नहीं कर सकते ना अभी तो कुछ भी नहीं भाई. कॉन्ट्रैक्ट है डायरेक्ट तो बीएसके का कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है मेरा तो मैं कुछ बता नहीं सकता अभी बिकॉज नहीं डेली वैसे ही सर बहुत स्ट्रिक्ट है उस बारे में. जब तक अभी पूरा शूट नहीं हो जाता पूरा एडिट नहीं हो जाता तब तक कुछ भी रिवील नहीं करना. एक बार सब हो गया तब करेंगे. सो या That's all. और कुछ आता डायरेक्ट अंतर आता का इसमें भाई अभी डायरेक्ट बाद में अभी डायरेक्ट बवाल थोड़े टाइम के बाद. ओके सो गाइस थैंक यू फॉर लिसनिंग अस एंड फॉलोइंग अस थ्रू द जर्नी. मिलेंगे फिर से तब तक के लिए अडियोस. हां काय अडियोस स्पेनिश होने बाय बाय तू बोल आपले डायरेक्ट धन्यवाद असते बदलापूर तोपर्यंत धन्यवाद भेटूया नंतर पुढच्या एपिसोड मध्ये. पेप टॉक घे माती आपण असते माझा प्लॅन होतो तो पण आता थोडा चार्जिंग डाऊन आहे नंतर काय बोलायचं म्हणणं असं होतं की पेप टॉक म्हणजे असंच बडबडीचे शो. हा मला तर किती पाहिजे होतं डोक्यात काय बोलायचं पण कशाचाही काही टॉपिक आहे फिल्म मेकिंग काही तो ते चार घर सोडून राहतो तो चुप आहे असं तसं नाही काहीतरी मीट बोल. नाही फिल्म मेकिंग आता जे सिच्युएशन झालो इंडिया फिल्म मेकिंगची नाशिक मध्येच कमीत कमी नाशिक मध्ये लोक आहे आता मला चांगलं बंद कर चालू कर ते तिथून भेटतो नाही आहे एवढं रेडी नाही बोल. अरे नाही अरे आपण किती बडबड करतो रेकॉर्ड केलं की रे आपण मला वाटत होतं.